नमस्कार। पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उद्देश्यों के बारे में। और उद्देश्यों के बारे में जब हमने बात की थी, हमने पता किया था कि उद्देश्य चार प्रकार के होते हैं। पहला उद्देश्य हमने पढ़ा था प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा हमने पढ़ा था सहायक उद्देश्य, तीसरा पढ़ा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा पढ़ा था हमने सामाजिक उद्देश्य। चार प्रकार के उद्देश्य हमने पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, पर्सनल उद्देश्य क्या है, इंडिविजुअल उद्देश्य क्या है। बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में काम करने के लिए जुड़ता है या किसी भी संस्था के साथ टाइप करता है, तो वह अपना एक खुद का उद्देश्य लेकर के आता है। अगर वह खुद का उद्देश्य जो लेकर के आता है उसका मैचअप, उसका टाइप अगर वो संस्था के उद्देश्य के साथ मैच करता है, तो ही वह व्यक्ति उस संस्था में जुड़ कर के काम कर पाता है। हर व्यक्ति का अपना खुद का एक अलग उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे एक संस्था में एक व्यक्ति काम करने के लिए आया, उसका उद्देश्य है कि मैं यहाँ से ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सीखना चाहता हूँ कि काम कैसे किया जाता है। दूसरा व्यक्ति उस संस्था में लगा, उसका उद्देश्य था कि आई वॉन्ट टू अर्न मनी, मैं यहाँ से पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, मैं पहले काम सीख चुका, अब मुझे सीखना नहीं है, मुझे यहाँ से पैसा कमाना है। तीसरा व्यक्ति उस संस्था में लगा, तो वह व्यक्ति एजेड पर्सन था, रिटायर्ड पर्सन था। उसने देखा मैंने इतने दिनों तक काम किया है, अब मैं घर पे रहूँगा, मेरा मन नहीं लगेगा, तो मैं क्यों ना संस्था में कुछ समय व्यतीत करूँ और मेरा समय यहाँ पर लोगों के बीच में अच्छा निकल जाएगा। तो समय व्यतीत करना उसका क्या है, उद्देश्य है। चौथा व्यक्ति जो संस्था में लगा, वह बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसको बहुत नॉलेज है, वह चाहता है कि उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज का फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिले, आने वाले लोगों को मिले, संस्था को मिले। इसलिए वह व्यक्ति अपने उस नॉलेज को लोगों को देना चाहता है, इसलिए संस्था से जुड़ा। बच्चों, चार व्यक्ति है, चारों व्यक्तियों का पर्सनल उद्देश्य अलग अलग है। तो आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि व्हाट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Those objectives which satisfy to human resources. Those objectives which satisfy to human resources. वो उद्देश्य जो मानव, जो human resources को, मानव संसाधन को संतुष्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। मानव संसाधन की संतुष्टि क्या मतलब है, क्यों करें मानव संसाधन संतुष्ट है, because they operate. बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं फर्म को, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑपरेट अदर रिसोर्सेज। अरे भाई, ये ह्यूमन रिसोर्सेज का सेटिस्फेक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये बाकी जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको ऑपरेट करते हैं, इसलिए इनका सेटिस्फाई होना जरूरी है, इसलिए इनका सेटिस्फेक्शन जरूरी है। एक छोटे से डायग्राम से हम समझते हैं इसको। देखिए, किसी भी संस्था में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो तीन भागों में बटा होता है। नंबर एक, सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर, ENTRPR। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य में तीन तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक संस्था में तीन तरह के होते हैं। नंबर एक एंटरप्रेन्योर, नंबर दो मैनेजर, नंबर थ्री एम्प्लॉय। हर संस्था में तीन तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज काम करते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जिसे हम बोलते हैं
उद्यमी, क्या बोलते हैं हम, उद्यमी। जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो रिसर्च करता है किसी नए काम को, नए अवसर की रिसर्च करता है, नए अवसर को एक नया रूप प्रदान करता है, उस व्यक्ति को हम उद्यमी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज में होता है मैनेजर, प्रबंधक, जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है। और तीसरा होता है एम्प्लॉई, जो रिसोर्सेज पर काम करता है, जो रिसोर्सेज पर क्या करता है, काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉई। तो हम बात करते हैं ऑल ऑफ दीज हैव सेपरेट फंक्शन, इन सब के अलग अलग काम होते हैं, इन सब की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सब की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन सब की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। हम बात कर रहे हैं कि एक फर्म के अंदर तीन तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर जिसने व्यवसाय को या उद्यम को शुरू किया है, एक मैनेजर जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, एक एम्प्लॉय जो इस पे काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज हैव सेपरेट फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस। इन सब की अलग अलग जो एक्सपेक्टेशंस होती है, इन सब की जो अलग अलग जो नीड्स होती है, वो फुलफिल करना ही व्यक्तिगत उद्देश्य कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य के नाम से जानते हैं। तीसरा जो हमारा उद्देश्य था व्यक्तिगत, वो पूरा हुआ। अब चौथा हमारा जो उद्देश्य है वो कौन सा है देखते हैं। चौथा हमारा उद्देश्य है, अच्छा एक बात और बता रहा हूं कि व्यक्तिगत उद्देश्य जो है वो अलग अलग होते हैं, मैं आप सब पहले बता चुका। चौथा है सोशल, सोशल की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं सामाजिक। सामाजिक उद्देश्य, सोशल उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, सोशल ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्यों जरूरी है, तो हम बात कर रहे हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, ये है सोसाइटी। सोसाइटी हमें अवेलेबल करवाती है रिसोर्सेज, सोसाइटी हमें अवेलेबल करवाती है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऑर्गेनाइजेशन उनको थोड़ा कुछ बदलता है और तैयार करता है प्रोडक्ट के रूप में, और प्रोडक्ट वापस आते हैं सोसाइटी के पास। बताइए बिजनेस ने रिसोर्सेज कहां से लिए, सोसाइटी को से लिए, और बिजनेस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट किसको दिया, सोसाइटी को दिया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज समाज से ले रहा है और उसको कंप्लीट करके उसको प्रोडक्ट का रूप दे करके समाज को ही दे रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय का जन्म समाज में हो रहा है, समाज में व्यवसाय पल रहा है, समाज में व्यवसाय बड़ा हो रहा है और समाज में ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसलिए व्यवसाय का, प्रबंधक का यह दायित्व बनता है कि वह समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर के कार्य करे, ऐसा कार्य करे जिससे ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर को मौका मिल सके। क्योंकि समाज का जीवन स्तर अगर आगे बढ़ता है तो प्रबंध का, व्यवसाय का और देश का ऑटोमेटिकली विकास होता है। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इस पे, ये कह सकते हैं कि
टू डेवलप डिफरेंस टू डेवलप different resources of society and reasonable and right use reasonable and right use of them. अरे भाई समाज के हमने जो रिसोर्सेज लिए हैं समाज से जो रिसोर्सेज लिए हैं उन रिसोर्सेज का हमें इस तरह से उपयोग करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें उनका इस तरह से उपयोग करना है कि वो हमारे लिए भी काम आए और समाज के लिए भी उपयोगी बने. मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके हमें उनका उपयोग करना है. टू ऑपरेट हमें उन्हें टू ऑपरेट वेलफेयर सोशल वेलफेयर